मैं जब कभी समय मिलता है तो अर्णब को देखता हूं और देखने से ज्यादा सुनता हूं। कि कैसे वो बहुत सारे गेस्ट को लेकर बैठ जाते हैं और सवाल जवाब करते हैं। टू विंडो और मल्टीपल विंडो का पूरा तामझाम होता है। साथियों, ऐसी एक मल्टीपल विंडो हर महीने दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में भी बनती है। ये बैठक होती है प्रगति की और इसमें लेखा जोखा लिया जाता है दशकों से अटके हुए प्रोजेक्ट का। पिछले 4 साल में खोज खोज कर मैंने वो प्रोजेक्ट निकाले हैं जो जाने कब से फाइलों में दबे हुए थे। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अब तक 12 लाख करोड़ रुपयों के से भी ज्यादा पुराने प्रोजेक्ट की समीक्षा इस बैठक में की जा चुकी है। एक एक प्रोजेक्ट की क्या अहमियत होती है, कैसे मेहनत होती है, ये भी मैं आपको मुंबई का ही एक उदाहरण लेकर के बताना चाहता हूं। साथियों, मुझे याद है करीब 3 साल पहले प्रगति की मीटिंग में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विषय आया था तो मैं हैरान रह गया था। मुंबई में दूसरे एयरपोर्ट को लेकर नवंबर 1997 में पहली बार कमेटी बनी थी। तब से लेकर करीब करीब 20 साल तक सिर्फ फाइलें ही इधर उधर दौड़ती रही, मैं कहूंगा उड़ती रही। इस बीच कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, फाइलें उड़ती रही, जहाज कभी नहीं उड़ा। लेकिन नवी मुंबई एयरपोर्ट की फाइल आगे नहीं बढ़ पाई। प्रगति की बैठक में मल्टीपल विंडो बनाकर सारे अफसरों सारे विभागों को एक साथ आमने सामने लाकर हमारी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के सामने आ रहे सारे रोड़े दूर किए। अब नवी मुंबई एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। सोचिए, यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कहानी है। और मैं फिर बता दूं, ऐसे ही 12 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को हम तेज गति से आगे बढ़ा चुके हैं। सर्जिंग इंडिया के पीछे जो कार्य संस्कृति में बदलाव आया है, यह उसका जीता जागता उदाहरण है।